नक्सल हिंसा की आग में सुलगता देश। देश के 20 राज्यों के 636 जिलों में से 223 जिलों में पांव पसार चुका नक्सलवाद। तिरासी जिलों में गंभीर खतरा बन चुका नक्सलवाद। पिछले साल 403 लोगों की बलि ले चुका नक्सलवाद। इस साल अब तक लगभग 225 लोगों को मौत के घाट उतार चुका नक्सलवाद। खतरे से पुरजोर मुकाबला कर रहा है कौन? कौन है वो जिसके नाम से नक्सलवादियों के दिलों में दहशत बैठ जाती है? कौन है वो जो जंगल में युद्ध कला के माहिर है? कौन है वो जो कैसे भी दुर्गम जंगल हो उन्हें रौन कर रख सकते हैं? है वो जिनका बिछौना जंगल की जमीन और ओढ़ना खुला आसमान है? वो है कोबरा। भारत के अनूठे जंगल वॉरियर्स कोबरा, जिनका मोटो है यश या मृत्यु। आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का सबसे बड़ा औजार कोबरा और कोबरा बटालियन के इन असलहों के बारे में जानकर आपको मालूम चल जाएगा आखिरकार क्यों इस फोर्स का डर नक्सलियों के दिल इस कदर घर कर गया है।
सेना बनकर सीजीआरएल हीट राउंड फायर। दुश्मन लेफ्ट फ्लैंक की मूवमेंट करता, एमएमजी एंगेज। इंडिया को दुश्मन रिट्रीटिंग। अल्फा टू रोमियो वन कॉलिंग, दोनारा में इनकाउंटर हुआ है, चार नक्सली मारे गए, अपना पार्टी सब ठीक ठाक है, फर्दर रिपोर्ट फॉलोज, ओवर। ये थी एक झलक कोबरा कमांडो फोर्स के ऑपरेशन की। कोबरा सीआरपीएफ का हिस्सा है और हिंदुस्तान की बेहद खास स्पेशल फोर्स है, जो खास तौर पर जंगल वॉरफेयर के लिए बनाई गई है। सर्दी हो या गर्मी, जाड़ा हो या मॉनसून की मूसलाधार बारिश, जिस वक्त सारा देश चैन की नींद सो रहा होता है, कोबरा के जाबाज जवान और अधिकारी जंगलों की खाक छान रहे होते हैं। आइए सबसे पहले आपका परिचय कोबरा के चीफ से करवाते हैं। डॉक्टर एनसीएस थाना, आईजी कोबरा, 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कश्मीर में 2009 और 2010 में भीषण दंगों के वक्त सीआरपीएफ की 17 बटालियंस का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का बृहद अनुभव रखने वाले डॉक्टर स्थाना विभिन्न विषयों पर 24 पुस्तकें लिख चुके हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिरकार क्या है कोबरा और क्यों जरूरत पड़ी इस फोर्स के गठन की। हमारे देश में 1954 से तरह तरह की इंसर्जेंसीज चल रही हैं और कश्मीर इंसर्जेंसी को छोड़कर लगभग बाकी सभी इंसर्जेंसीज रूरल एरियाज में या जंगल्स में हैं। उनके इंसर्जेंट्स या तो जंगलों से ऑपरेट करते हैं या गांवों से ऑपरेट करते हैं। चूंकि 1954 से अब तक उनको समाप्त नहीं किया जा सका है, इससे यह प्रकट होता है कि कहीं न कहीं फोर्सेस के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के तरीकों में कोई न कोई कमी रही होगी। कोबरा का गठन इन कमियों को दूर करने के लिए किया गया। जैसा मैंने बताया, लगभग 3.5 वर्ष पूर्व कोबरा का गठन हुआ और मैं लगभग 2 वर्षों से कोबरा का आईजी हूं। देश भर में वैसे तो कई सुरक्षा एजेंसियां हैं, लेकिन कोबरा इन सब से जुदा है। कोबरा कमांडोज की विशेषता जंगल वारफेयर है। मैं ये कह सकता हूं कि कोबरा एकमात्र ऐसी स्पेशल फोर्स है दुनिया में जो एक्सक्लूसिवली जंगल ऑपरेशंस के लिए ही बनाई गई है। दुनिया की और भी स्पेशल फोर्सेस जंगल ऑपरेशंस करती हैं, जैसे कि यूएस मरीन्स करते हैं, ब्रिटेन के स्पेशल एयर सर्विस एसएएस करते हैं, ऑस्ट्रेलियन एसएएस करते हैं और छोटे देशों के स्पेशल फोर्सेस भी जंगल ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन ये उनका स्पेशलाइजेशन नहीं है। जंगल वारफेयर हमारा स्पेशलाइजेशन है। यूएस मरीन्स दूसरे जगहों पर भी ऑपरेट करते हैं, वो लैंड पर भी ऑपरेट करते हैं, सी में भी ऑपरेट करते हैं, जंगल में ऑपरेट करना हमारी विशेषता है। हॉलीवुड और कभी कभी बॉलीवुड की पिक्चरों में आपने जंगल वॉर की तस्वीरें देखी होंगी। इन तस्वीरों को देखने के बाद आंखें स्क्रीन से नहीं हटती, लेकिन जंगल की जमीन पर हकीकत थोड़ी सी जुदा है। लेकिन यकीन मानिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद भी आप आंखें नहीं झपका पाएंगे। जंगल वारफेयर के विषय में
ज्यादातर लोगों ने अपनी धारणाएं जो हैं वो हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्में देखकर बना ली हैं। इसके चलते लोग अनेक प्रकार की गलत धारणाएं अपने मन में पाले हुए हैं। दुनिया में करोड़ों लोगों ने सिल्वेस्टर स्टेलोन, जिसने उन्होंने जॉन रैम्बो का रोल किया, उनकी प्रसिद्ध फिल्म फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 देखी है। उसमें अगर एक प्रोफेशनल की हैसियत से देखा जाए तो अनेक बातें ऑब्जेक्शनेबल हैं। सिल्वेस्टर स्टेलोन कभी भी शर्ट नहीं पहनते, जंगल में उनको कभी कोई कीड़े आदि नहीं काटते, कभी उनको कुछ भी खाते या पीते हुए नहीं दिखाया गया है, और वो भांति भांति के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, टॉर्क बो से लेकर जिनके तीरों के ऊपर एक्सप्लोसिव टिप्स लगी होती हैं और M60 मशीन गन तक। न तो उनके तीर कभी ख़त्म होते हैं, न उनकी गोलियां कभी ख़त्म होती हैं। हकीकत में ऐसा नहीं होता। जंगल वारफेयर में जंगल वॉरियर की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो अनसपोर्टेड होता है। एक बार जब वो जंगल में चला जाता है तो उसको पीछे से कोई कुमक नहीं पहुंचाई जा सकती। कारण इसका सीधा है, अगर उसको पीछे से कुमक पहुंचाई जाएगी तो जंगल में उसके रहने की जो गोपनीयता है वो भंग हो जाएगी। इससे उसके सारे ऑपरेशन पर असर पड़ेगा। चूंकि वो संख्या में कम होते हैं, इसलिए वो तभी तक जीवित रह सकते हैं जब तक कि उनकी गोपनीयता बनी रहे। इसका परिणाम यह है कि जंगल वॉरियर को जितने दिन तक भी जंगल में ऑपरेशन करना है उतने दिन का अपने ऊपर खाना ले जाना है, पानी ले जाना है, दवाइयां ले जानी हैं, चेंज करने के लिए कपड़े ले जाने हैं, एंड अबव ऑल पर्याप्त मात्रा में एम्युनिशन ले जाना है। रियल जंगल वॉरियर उस तरह से एम्युनिशन को वेस्ट करना एफर्ड नहीं कर सकते जिस तरह से फिल्मों में लोग किया करते हैं। कोबरा कितनी घातक फोर्स है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि US मरीन कमांडो जैसी फोर्स भी जंगल में कोबरा कमांडो से ज्यादा दिनों तक नहीं ठहर सकती। जंगल वारफेयर एक ऐसी घटना नहीं है कि जंगल में कोई पहुंच गया, वहां पे जाकर उसने 10,000 गोलियां फायर की और काम हो गया। अगर ये इतना आसान होता तो दुनिया में इंसर्जेंसीज, खास तौर पे वो जो कि जंगल से ऑपरेट कर रही हैं, वो कभी की खत्म हो गई होती। रियल जंगल वॉरियर को अपने ऊपर बहुत बोझ लेके जाना होता है, जो दुनिया की स्पेशल फोर्सेज का औसत वजन है पीठ पर ले जाने का, वो 48 पाउंड होता है। कोबरा कमांडोज 48 पाउंड से 55 पाउंड तक वजन अपने ऊपर ले जाते हैं। हमारी एक और विशेषता है, दुनिया में और कोई भी स्पेशल फोर्स इतने लंबे ड्यूरेशन के ऑपरेशन नहीं करती है जितने लंबे ड्यूरेशन के ऑपरेशन हम किया करते हैं। US मरीन्स का स्टैंडर्ड असॉल्ट पैक केवल 3 दिन की रसद उनके लिए रखता है। इसका अर्थ यह है कि US मरीन्स 3 दिन के ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं। कोबरा कमांडोज का रिकॉर्ड जो है वो 12 दिन 11 रातों का है। हमारे यहाँ हर कमांडो कम से कम 8 दिन 7 रात जंगल में अनसपोर्टेड रहने में सक्षम है। कोबरा कमांडोज की ताकत तो आपने देख ली, लेकिन जंगल के अंदर किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इन जाबाजों को, ये आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जंगल के अंदर 10-12 दिन बिता देना आसान काम नहीं होता। हॉलीवुड की फिल्मों और जंगल पर आधारित कुछ मशहूर टीवी सीरियल्स के दर्शकों को यह भी बताया जाता है कि जंगल वॉरियर्स जंगल में सांप बिच्छू खाकर ही जिंदा रहते हैं, लेकिन हकीकत में ये बात बकवास है।
जंगल वारफेयर को लेकर जो अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं, उसमें एक भ्रांति ये भी है कि जंगल में आपको जंगलियों की तरह से रहना पड़ेगा। इस तरह की भ्रांतियां जो हैं, वंस अगेन हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में देखकर और डिस्कवरी चैनल पर मैन वर्सेस वाइल्ड या ड्यूअल सर्वाइवल टाइप के प्रोग्राम देखकर पैदा हो गई है। इन लोगों में और एक जंगल वॉरियर में एक बड़ा मूलभूत अंतर होता है। इन लोगों का उद्देश्य केवल ये डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है कि वो जंगल में उपलब्ध सामग्री या जंगल में उपलब्ध प्राणियों को खाकर जीवित रह सकते हैं। इन प्राणियों को, ऐसे लोगों को, कैंपर्स को या हाइकर्स को या बेयर ग्राइल्स को, इनको जंगल में युद्ध नहीं करना होता। ये अपने ऊपर 2.5 किलो सामग्री लेकर भी नहीं चलते हैं। जंगल में कोबरा कमांडो कोई आसान लड़ाई नहीं लड़ रहे। घने जंगलों के अंदर चल रहा है लुका छिपी का खेल, जिसमें दुश्मन की नजर में पहले आने का मतलब मौत। जंगल वारफेयर देखिए एक अनफेयर फाइट की तरह से है। आप जंगल से जा रहे हैं, अगर दुश्मन ने आपको पहले देख लिया और उसने आपके ऊपर पहले फायर खोल दिया, तो यह निश्चित है कि इसमें कैजुअल्टी हो जाएगी। क्योंकि कोई भी आप साधारण हथियार ले लें, जैसे कि AK-47 राइफल है, AK-47 राइफल से ऑटोमेटिक मोड में 3 सेकंड में 30 गोलियां निकलती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी ने आपको पहले से अपनी बंदूक की साइट में रखा है और आपके ऊपर 3 सेकंड में 30 गोलियां बरसा देता है, तो जब तक आप पोजीशन लें, जब तक आप सचेत हों, जब तक आप ये पता लगा पाएं कि फायर आ कहां से रहा है, तब तक 1-2 कैजुअल्टी तो हो ही जाएगी। कैजुअल्टी होने का अर्थ ये नहीं होता है कि किसी की टैक्टिक्स में या टेक्निक में कोई कमी है या उसकी ट्रेनिंग में कोई कमी है। जंगल में कोबरा कमांडोज के सामने अपने दुश्मन को पहचानने की बड़ी चुनौती होती है। अगर हाथ में हथियार नहीं, तो आप पर हमला करने की सोच रहा शख्स भी नक्सली नहीं, आम आदमी है। अपने देश में इस तरह छिपे दुश्मन से लड़ने वाली कोबरा दुनिया की सबसे अनोखी फौज है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में और खास तौर पे उन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में जो कि आप स्वयं अपने देश में लड़ रहे हो, अमेरिका को और इंग्लैंड को यह फायदा था कि वो अपने देश में नहीं लड़ रहे थे। जो भी व्यक्ति उनकी अपनी नस्ल का नहीं था, वो पोटेंशियल दुश्मन माना जा सकता था और उसके ऊपर फायर किया जा सकता था। जब हम अपने ही देश में ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो ये एक वस्तुतः गंभीर समस्या है, क्योंकि किसी के माथे पर लिखा हुआ नहीं है और न ही उसके सर के ऊपर कोई लाल बत्ती जल रही होती है कि वो इंसर्जेंट है। तो ये समस्या हमेशा आती है कि इंसर्जेंट जो हैं वो जनता की आड़ ले सकते हैं। इस अनूठी फौज के बारे में हम आपको बहुत कुछ ऐसा बताएंगे जिसे सुनकर आपको हैरानी भी होगी और फख्र भी कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी फौज है जिसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं। लेकिन अब बात इस खास फौज की खास ट्रेनिंग की। कोबरा की ट्रेनिंग बहुत ही विशिष्ट है और इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारी विशेषता जंगल वारफेयर है। हम इसकी ट्रेनिंग इस दृष्टिकोण से करते हैं कि जंगल वारफेयर में जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, उनको जितना क्लोजली हम सिमुलेट कर सकते हैं, उतना क्लोजली सिमुलेट करें। शरीर का केवल ताकतवर होना पर्याप्त नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉक्सर्स बॉक्सिंग रिंग में पैदा होते हैं, जिम में नहीं पैदा होते। अगर ऐसा होता तो कोई भी वेट लिफ्टर या कोई भी पहलवान बॉक्सिंग में उतारा जा सकता और मेडल की अपेक्षा उससे की जा सकती। कमांडोज की ट्रेनिंग के लिए कोबरा फोर्स ने कुछ बेहद देसी नुस्खे भी इजाद किए हैं, जो कंधों पर भारी बोझ लादकर कई कई दिनों तक जंगल में दुश्मन की तलाश करने में कारगर साबित होते हैं। हमारी ट्रेनिंग में और एथलीट्स की ट्रेनिंग में अंतर है, क्योंकि एथलीट्स को अगर वो काम दे दिया जाए जो हम करते हैं, तो उनके बस का ये नहीं है। वो 55 पाउंड 60 पाउंड का बोझा उठाकर जंगल में मीलों नहीं चल सकते। कोबरा कमांडो से अपेक्षा की जाती है, उनके ऑपरेशंस का ये आवश्यक अंग है कि वो
ग्रुएलिंग फिजिकल लेबर करने में सक्षम हो। इसको हिंदी में आप समझ सकते हैं कि हाड़ तोड़ या कमर तोड़ मेहनत करने में सक्षम हो। कंधों पर बोझ लादने की प्रैक्टिस कुछ इस तरह से करते हैं कोबरा कमांडो। इसके अलावा भी कुछ खास तरह की एक्सरसाइज कोबरा कमांडो को हाड़ तोड़ मेहनत करने में सक्षम बनाती है। ऑल कोबरा कमांडोस अंडरगो अ 12-week theater specific pre-induction training program which aims at an integrated concept of combat conditioning, advanced physical weapon handling and also tactical skills aimed for their better performance in jungle warfare. Our combat conditioning programs is basically on the concept of total body strength, ruggedness and toughness, much against the isolated muscle group which the normal athletes used to develop. One such example of some good practices what we have imbibed from the other allied forces of the world like Navy SEALs and British SAS is this weaver, in which the commando has to weave his body to an entire series of locks and finally negotiate this obstacle. सुबह से शाम और शाम से लेकर रात तक लगातार बिना रुके कोबरा कमांडो जंगलों के अंदर दुश्मनों से मोर्चा ले रहे हैं। लेकिन जंगलों के अंदर की जिंदगी बेहद मुश्किल है, वो भी उस वक्त जब आप किसी दुश्मन की तलाश कर रहे हो और आपको ये तक मालूम ना हो कि दुश्मन घने जंगलों में किस जगह घात लगाकर आपका इंतजार कर रहा है। पहाड़ की चोटी से देखने पर ये जंगल बेहद खूबसूरत लगते हैं। कुदरत ने इन जंगलों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन जब इन जंगलों की रखवाली संगीन के साए में करनी पड़े, इसका मतलब साफ है कि जंगलों में सब कुछ ठीक नहीं। जो लोग इन जंगलों के अंदर मौजूद हैं, वो इलाके में अमन शांति नहीं चाहते और सब कुछ ठीक रहे, इसीलिए कोबरा कमांडोज को बार बार इन जंगलों के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन कब देश के सबसे खतरनाक कमांडोज में शुमार कोबरा कमांडो इन जंगलों में घुसेंगे, इसका वक्त तय नहीं। कभी सुबह की पौ फटते, कभी शाम ढलते और कभी रात के अंधेरे में खतरनाक हथियारों से लैस कोबरा कमांडो इन जंगलों के अंदर घुसते हैं। जंगल वॉर के बारे में आज से पहले आपने सुना तो बहुत कुछ होगा, लेकिन जंगल वॉर की हकीकत क्या है ये जानने के लिए इन घनघोर जंगलों के अंदर जाना पड़ता है। हम इन कोबरा कमांडोज के साथ इस जंगल के अंदर जाएंगे और आपको इस लड़ाई की हकीकत दिखाएंगे, लेकिन ये बहुत हिम्मत का काम है और ये हिम्मत हमें दे रही है ये वर्दी। अंदर जाने पर मालूम चलता है कि ये जंगल पहाड़ की चोटी से जितने घने दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा घने हैं, जितने खतरनाक लगते हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, जितने खूबसूरत दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा खौफनाक हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ये जंगल और ज्यादा घने होते गए। जंगली जानवरों की आवाजें दिल को डरा रही थी, लेकिन ये जिनकी आवाजें थी वो हमें कहां से देख रहे हैं ये हम चाह कर भी पता नहीं लगा सकते थे, और शायद इसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि हमारे साथ मौजूद थे जाबाज कोबरा कमांडो, जिनका मुकाबला रोज ऐसे खतरों से होता रहता है। दिन में तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई जंगली जानवर है, लेकिन रात के समय में अगर हमें कोई आवाज सुनाई देती है तो हमें ये नहीं पता लगता कि कोई दुश्मन आ गया या कोई जंगली जानवर है। बिल्कुल, कुछ इस तरह की गड्ढे आप बता रहे थे दिखाई पड़ रहे, ये क्या?
ये भालू का खुदा हुआ है, क्योंकि उड़ीसा के जंगलों में भालू बहुत ज़्यादा मिलता है और वो रात के समय में निकलते हैं जो जंगल में, जैसे बारिश के सीजन में वो पेड़ की जड़ें वगैरह खाता है, तो उसके लिए वो गड्ढा खोदता है नीचे तक। तो ये गड्ढे खोदते हैं, लेकिन अगर भालू आपके सामने आते होंगे, आप लोग निकलते हैं, तो क्या आमना सामना कभी भालू से हुआ? हाँ, भालू से बहुत बार सामना होता है हमारा। जब हमें भालू दिखाई देता है, अकेला भालू तो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब भालू झुंड में होता है तब वो अटैक भी कर देता है कई बार। दिन के उजाले में जब यहाँ ऐसी रोशनी है तो आप सोच सकते हैं रात के अंधेरे में इन जंगलों के अंदर एक कदम भी आगे बढ़ाना कितना मुश्किल होगा। घुप अंधेरा और हर कदम पर खतरा, लेकिन अंधेरे में लड़ना ही इस फोर्स की सबसे बड़ी खासियत है और नाइट विजन गॉगल जैसे आधुनिक उपकरण कोबरा फोर्स की मदद करते हैं। ये डिवाइस ही रात में कोबरा कमांडो की आंखें हैं। कोबरा की जो अन्यतम विशेषता है, जो कि संभवतः दुनिया में किसी स्पेशल फोर्स की नहीं है, कि हम नाइट वॉरियर्स हैं। मतलब अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं द नाइट बिलोंग्स टू अस, हम लोग रात में पूरी सहजता के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं और हमारे पास ऐसे टेक्निकल एड्स हैं जिससे कि हम रात में कभी भी किसी दिक्कत का सामना नहीं करते। कभी दो दिन तो कभी दस दिन जंगल में ऑपरेशन कितना लंबा चलेगा किसी को नहीं मालूम होता। ऐसे में भूख और प्यास पर कैसे काबू करते हैं ये कमांडो, यकीन मानिए आम आदमी इस बारे में सोच तक नहीं सकता। जंगल के अंदर खतरे बेशुमार हैं और इन खतरों से लड़ते हुए कोबरा कमांडो को अपनी भूख और प्यास को दूर करने का इंतजाम भी करना पड़ता है। इस खास स्टोव को देखिए, डीआरडीओ की इस इजाद ने कोबरा कमांडो का काम आसान कर दिया है। बिना धुएं और गैस वाला स्टोव जिस पर अपना पैक्ड खाना गर्म करते हैं ये जंगल वॉरियर्स। भारत में डिफेंस फूड एंड रिसर्च लेबोरेटरी मैसूर द्वारा, जो कि डीआरडीओ का प्रतिष्ठान है, उन्होंने पैकेज्ड फूड डेवलप किया है जिसको केवल इनडायरेक्ट हीट देने की आवश्यकता होती है। जंगल में प्यास बुझाना और भी ज्यादा मुश्किल है और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि प्यासी फौज कभी जंग नहीं लड़ सकती। अगर कहीं कोई नदी होती भी है या कोई छोटा मोटा झरना होता भी है, कमांडो उस पर से पानी नहीं ले सकते, क्योंकि दुश्मन को भी ये बात पता है कि ये पानी का स्रोत है, वहां पर एम्बुश लगा हो सकता है। ये वैसी ही बात है जैसे कि शेर चीते अमूमन जहां पर हिरन और इस तरह के दूसरे जानवर पानी पीने आते हैं वहीं पर उनका शिकार करते हैं। हम लोग इस तरह से शिकार होना गवारा नहीं कर सकते। ऐसे में जंगल में प्यास बुझाने के लिए कोबरा कमांडो जंगल में मौजूद ऐसे पानी के गड्ढों पर ही निर्भर है, लेकिन इस गंदे पानी को पिया कैसे जाए? कमांडो पहले पानी को एक बोतल में भरते हैं। इसके बाद कपड़े के जरिए इस पानी को छाना जाता है। मिट्टी इस पानी से अलग हो गई। अब ये खास दवा हैलाजोन पानी में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म कर देगी और ये कमांडो इस पानी को आसानी से पी सकेंगे, जिसे मुंह के अंदर डालने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। जिन घने जंगलों में पलके झपकाते ही खतरा सामने आ जाता हो, वहां पर कोई सो कैसे सकता है? लेकिन कई कई दिनों तक ऑपरेशन करने वाले इन कमांडोज को जंगल के अंदर आंखें भी झपकानी होती हैं। जंगल में कई कई दिनों तक ऑपरेशन आपके चलते हैं, क्या इस बीच नींद नहीं आती? अगर नींद आती है तो किस तरह से जंगल में सोने की व्यवस्था होती है? जंगल में चलते चलते हमें आराम की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि कई कई दिन का ऑपरेशन होता है। वैसे भी जब हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं खाने में तो शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेकिन उस सिचुएशन को हम हैंडल करने के लिए बहुत कम समय के लिए रेस्ट करते हैं। जैसे कभी अगर हमें नींद लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो दोनों में से एक आदमी जगेगा, एक थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेगा। ऐसे ही हम एक पॉलीथीन अपने पास रखते हैं और एक हमारे पास मल्टीपर्पस हाइबर शेक होता है, सॉरी रेन पंचो होता है, जिसको हम कई बार अपना छोटा सा हाइबर लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये कमांडो रेस्ट कर रहा है अभी, इसके पास एक पॉलीथीन है, वो पॉलीथीन इसके नीचे बिछा रखा है
और जो इसका रेन पोंचो है उसको इसने उसकी एक छत बना रखी है। ये छत इसको पानी से भी बचाएगी जैसे बारिश के सीजन। तो बिल्कुल कई कई दिनों तक ऑपरेशन करने के बाद कुछ इस तरह से ये जो जवान होते हैं वो सोते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ घंटों की नींद पूरी हो जाती है और इसके बाद फिर से ये जवान निकल पड़ते हैं ऑपरेशन में आगे, जहां पर दुश्मन इनका इंतजार कर रहा है, जहां पर बेशुमार खतरे इनका इंतजार कर रहा है। जंगल में घायल होने की स्थिति में कोबरा कमांडोज के बैग में कुछ खास इंतजाम रहते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ विशेष उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जो कि संभवतया हम ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं देश में। जैसे कि आप मैकेनिकल एडवांटेज टूर्निक्वेट देख रहे हैं, MAT टूर्निक्वेट। अगर कहीं पर गोली लग गई है किसी मेजर लिंब में, उससे ब्लड लॉस रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बॉल एंड चेस्ट सील है, ये सीने पर या पीठ पर गोली लगने की अवस्था में इसका उपयोग किया जाता है। ये न्यूमोथोरैक्स को बिल्कुल नहीं होने देती है। ये आप देख रहे हैं ये काउलिन इम्प्रिग्नेटेड बैंडेज है। ये गौज पट्टी की तरह से है जिसको कि चोट के ऊपर लपेटा जा सकता है और खून का स्त्राव जो है वो तुरंत बंद हो जाता है। जंगल की ऐसी परेशानियों से जूझना मुश्किल है, लेकिन जंगल में कुछ खतरे ऐसे होते हैं जिनसे निपटने के बारे में आम आदमी सोच तक नहीं सकता। कहते हैं पगडंडियां मंजिल तक पहुंचाती हैं, लेकिन जंगल के अंदर अगर कोबरा कमांडो इन पगडंडियों पर चलेंगे तो ये मंजिल मौत की मंजिल भी साबित हो सकती है। कोबरा कमांडोज के दुश्मनों यानी नक्सलियों का सबसे घातक हथियार है IED, जिसने इस फोर्स को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सच बात यह है, आईडी एक महान हथियार है। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूं, मैंने अपनी पुस्तकों में भी लिखा है कि राइफल इज अ रोमांटिक फूल्स वेपन। राइफल एक रोमांटिक मूर्ख व्यक्ति का हथियार है जो केवल अपने व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए फायर करता है। राइफल से कभी कैजुअल्टी खास नहीं होती। कैजुअल्टी करने का भले ही उसको कायर का अस्त्र बोला जाए, लेकिन आईडी उसका महान हथियार है। आईडी नक्सलियों को बेहद आसानी से मिल जाता है और इससे हमला करने के भी बेशुमार तरीके हैं। फौज की राहों में नक्सली आईडी बिछा कर रखते हैं। कभी कभी मौत स्टिफिन के तौर पर सामने आ सकती है, तो कभी इन गड्ढों में मौत का सामान रखा होता है। इससे जेका को जिस तरह देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह का खतरा हो सकता है, यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे डायरेक्शनल मंस का ज्यादा खतरा होता है। जैसे दुश्मन हमारा पेड़ के पीछे या 50 मीटर आगे बैठ के, तो यहाँ से माइंस के पीछे तार लगा के बैठ जाता है। तो जैसे पेड़ के सामने से कोई फौज का टुकड़ी निकलता है तो दुश्मन इसको चार्ज कर देता है, जब इस फौज का बहुत नुकसान होता है। और इससे पहले हमारा 2009 में वेस्ट बंगाल के अंदर हमारा कैजुअल्टी भी हुआ है। आईडी को ट्रिगर करने के अनंत तरीके हैं। किसी भी तरह से आप उसको ट्रिगर कर सकते हैं। आप उसको मैनुअल कंट्रोल से ट्रिगर कर सकते हैं, आप उसको रिमोट कंट्रोल से ट्रिगर कर सकते हैं, आप उसको रेडियो वेव से ट्रिगर कर सकते हैं, आप उसको सीटी बजा के अल्ट्रासाउंड से ट्रिगर कर सकते हैं। आईडी के हमले का सामना करने में फोर्स कभी खुशकिस्मत साबित होती है तो कभी बदकिस्मत। हमारी भी ज्यादातर कैजुअल्टीज जो है वो आईडी की वजह से ही हो रही है। मैं आपका ध्यान जो है एक घटना की ओर ले जाना चाहूंगा। 2011 3 मई को लोहारडगा में 675 मीटर की दूरी में जंगल में 198 आईडी लगाई गई, 198 आईडीज इन 675 मीटर्स। लिटरली लगभग पौन किलोमीटर का जंगल जो है इट ब्लू अप। इसमें हमारी टोटल कैजुअल्टी 49 की हुई, 11 इन किल्ड एंड 38 इन इंजर्ड। इसमें कोई उपाय ही नहीं था, क्योंकि जो जिधर भागने का प्रयास करता उधर ही आईडी फट जा रहा है। झारखंड में कोबरा कमांडोज के ऊपर हुए ऐसे ही एक हमले में आईडी ब्लास्ट ना होने की वजह से कई जानें बच गई थी।
माँ से मुलाकात कब हुई थी? पिछली बार बीवी के हाथ की रोटियाँ कब खाई? इस बार बहन ने हाथ में राखी बांधी या नहीं? बच्चे फोन पर क्या क्या फरमाइश करते हैं? ब्रेक के बाद इन जवानों के मुंह से सुनिएगा, उसके बाद आपको मालूम चलेगा अपने परिवार के साथ हमेशा रहने वाले कितने खुशकिस्मत होते हैं। हथियारों के दम पर जंग जीती नहीं जाती, जंग जीतने के लिए जरूरी होती है बहादुरी, सूझबूझ और कुशल रणनीति। इन कोबरा कमांडोज की बहादुरी के किस्से इन जंगलों के बाहर भी मशहूर है। कोबरा जाबाज कमांडोज की फौज है। ऐसे में जंगल के अंदर नक्सलियों के खिलाफ कई मोर्चों में कमांडोज ने गोलियों की बौछारों के बीच अदम्य साहस का परिचय दिया। ऐसे ही दो जाबाजों से हमारी मुलाकात भी हुई, असिस्टेंट कमांडेंट पंचम लाल और असिस्टेंट कमांडेंट आनंद घोटवार। इन दोनों जाबाजों ने मिदनापुर में अदम्य साहस का परिचय देते हुए खूंखार नक्सली कमांडर को उसके साथियों समेत मार गिराया था। एलपी लेने के बाद एक घंटे तक हम लोग वहाँ पर रेस्ट किया। पास में जैसे ही हम अपने पॉइंट को लगाने के लिए जा रहे थे तो उस समय जो है हमने एक नक्सल हाइड आउट देखा, संतरी को देखा, वेपन के साथ थे। उस दौरान हमने 5 नक्सलियों को मार गिराया, उसमें जो है उस एरिया का हार्डकोर नक्सल कमांडर सिद्धू सोरेन मारा गया। तो बिल्कुल यहाँ पर 5 नक्सली मारे जा चुके थे, लेकिन कुछ नक्सली वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन इसकी सूचना पंचम ने अपने दूसरे सहयोगियों को दी। आपको बता दें कि उन्हें भी वीरता का पुरस्कार मिला है। उन्होंने क्या कुछ किया उसे जानते हैं। आनंद, क्या कुछ हुआ उसके बाद जब आपको सूचना मिली कि कुछ नक्सली भाग रहे हैं? जैसे ही हमें रेडियो सेट पे पॉइंट मिला कि कुछ नक्सली पीछे के तरफ से भाग रहे हैं, तो मैं अपने टीम के साथ और डिप्टी कमांडेंट उदय दिव्यांशु के साथ नक्सलियों के भागने वाले रास्तों को कवर किया और टैक्टिकल उन रास्तों को कवर करके जो हमारी टीम थी उसकी तरफ एडवांस किया। कुछ देर बाद अचानक हम पे फायर आया तो हमने अपनी पोजीशन लेके नक्सलियों पे फायर किया। उस दौरान एक नक्सली को हमने मार गिराया। कोबरा के इन दोनों जाबाजों को पीएमजी से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ 2 कहानियां हैं, लेकिन कोबरा से वीरता की न जाने कितनी कहानियां जुड़ी हुई हैं। आज से वर्षों बाद जब देश पीछे मुड़ के देखेगा और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस या एंटी नक्सल ऑपरेशंस के इतिहास को याद करेगा, उसमें कोबरा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ पाया जाएगा और कोबरा को हमेशा ही बड़े सम्मान के साथ याद किया जाएगा कि उन्होंने इस दौर को अपनी पूरी क्षमता लगाकर बड़ी सफलतापूर्वक निर्वाह किया। जंगल के अंदर जंग सिर्फ नक्सलियों और खतरों से नहीं होती, जंग जज्बातों से भी होती है, अपनों की यादों से भी होती है। यकीन नहीं आता तो इन जवानों के मुंह से खुद सुन लीजिए। घर परिवार वाले क्या शिकायत करते हैं आपसे? घर परिवार वाले ये शिकायत करते हैं कि एक साल का पीरियड होता है, उसमें तुम 2 महीने के लिए आते हो तो इतने कम समय में क्या कर पाओगे। पत्नी क्या कहती? पत्नी तो सिर्फ यही बोलते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ। बहुत मिस करते हैं सर, हम भी उनको बहुत मिस करते हैं। ऐसे कि सर घर पे आज कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, एक अगर माँ बाप कोई बीमार पड़ जाता है उसमें खुद नज़दीक रह के सेवा करना और यहाँ से पापा वो करके टैबलेट लेना और यहाँ से फ़ोन पे बात करना और वहाँ खुद रह के करवाने में बहुत अंतर रहता है सर।
ऐसा हुआ घर में कोई बीमार पड़ा हो, आपका जाने का मन हो और ना जा पाए, छुट्टी ना मिले? हाँ ऐसा सर, मेरा 5 साल की एक लड़की है, उनको चिकन फॉक्स हो गया था सर, और मैं टाइम से नहीं जा पाया घर पे। उसके बाद छुट्टी लेके घर गया था, 3 दिन तक लड़की बात नहीं किया था मेरे से। पापा मैं हॉस्पिटल में था, आप नहीं आया था। एक्चुअली आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं कि जब मैं घर से लौटा कि मेरे बच्चे मेरे घर पे रहें। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं घर से 10 या 11 बजे निकलता हूँ, तो वो उनसे जाते समय एक या दो बार ही मुलाकात हुआ है, अन्यथा मेरा बच्चों से मुलाकात नहीं होता है। रास्ते से फ़ोन करके फिर बोलता हूँ कि मैं आज निकल गया हूँ, या एक दिन पहले बता देता हूँ कि बेटा मैं कल जा रहा हूँ। इस दर्द को समझने की कोशिश कीजिए कि घर से लौटते वक्त बच्चों से बात नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे रोकने की कोशिश करेंगे और ऐसे में तकलीफ कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। बच्चों से रास्ते में फ़ोन करके बताया करते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूँ, याद आएगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जाना है, नौकरी करनी है, देश की सेवा करनी है। देश के लिए मौत से मुकाबला करने को तैयार है, लेकिन जान के रिस्क वाली इस नौकरी के साइड इफेक्ट्स भी हैं। जी शादी करने का विचार कब तक? शादी करने का विचार तो अभी भी है, लेकिन मेरा जो गर्लफ्रेंड है उसी से शादी करना है, लेकिन उसके मम्मी पापा भी तैयार नहीं है क्योंकि मैं फोर्स में हूँ, बहुत सारा प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में, इसलिए उन लोग भी तैयार नहीं है। क्या कहते हैं वो? बोलते हैं हमारा लाइफ रिस्क है एक तो, और असल में मेरा घर में भी कोई नहीं है, तो घर में अगर मैं अपना वाइफ को छोड़ के जाऊँ अकेले क्या करें, ये सब बहुत प्रॉब्लम है। फौज की जिंदगी शादी में कितना इफेक्ट डालती है? शादी में तो बहुत इफेक्ट डालती है, क्योंकि माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए भी वक्त नहीं मिलता, छुट्टी मिलती है कभी, टाइम पे नहीं मिलती, तो बहुत सारी चीजों को मेंटेन करके जो चलना पड़ता है। कई बार फर्ज निभाते निभाते ये जवान रिश्ते नहीं निभा पाते, इस बात की टीस दिल में रहती है। ये फौज एकता का संदेश भी देती है। अलग अलग राज्यों से आए ये जाबाज अपने साथियों का ख्याल परिवार की तरह ही रखते हैं। हम यहाँ पर सारे बहुत जगह से आदमी आए, कोई दिल्ली से आया, कोई नॉर्थ ईस्ट से आया, कोई ये साउथ से आया, ये सारे हम लोग एक ही साथ रहते, भाई जैसा रहते। आज मुझे कुछ तकलीफ होता है तो यही लोग हमें देखते हैं, यही हमारा भाई है, यही परिवार है। फिल्में वगैरह देखते हैं? हाँ फिल्में देखते हैं। कौन सी रून पसंद? मुझे पहले तो दिव्या भारती पसंद था, वो मर गई अभी पता नहीं, मतलब एक पसंद थी और उसके बाद वो चली गई तो दूसरी कोई पसंद नहीं आई। हीरो कौन पसंद? हीरो तो मैं ही हूँ। यहाँ कोई गुजराती नहीं, मराठी नहीं, बिहारी नहीं, सबसे पहले हर जवान खुद को भारतीय समझता है। क्या कुछ लगता है, इस फौज की नौकरी से संतुष्ट है? जी बिल्कुल संतुष्ट है। कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र के रहने वाले। मराठी में कुछ बताइए फौज के बारे में, परिवार के बारे में। मराठी में तो नहीं बता सकते, क्योंकि मराठी में अगर बोलूंगा तो सिर्फ मेरे स्टेट वाले समझ सकते, हिंदी में बोलूंगा तो कम से कम इसको पूरा देश तो समझ सकता कि मैं क्या बोल सकता हूँ क्या नहीं बोल सकता। लेकिन परिवार की बात अगर यहाँ पर आ जाएगी तो मेरी दो जुड़ा बच्ची है, उसको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं। अगर शायद कभी अगर ये दिखाई दिया टीवी पे, अगर वो मेरे को सुन रहे होगे तो उनको भी काफ़ी खुशी हो जाएगी, कि मेरी पत्नी भी खुश हो जाएगी कि चलो मेरे पति टीवी पे आए, कभी तो फौज में काम किया तो कुछ तो दिखाई दिया इनके बारे में। जी कितना मिस करते हैं बच्ची आपको, मिस करते हैं? कितनी बड़ी? नहीं अभी तो 10 महीने की बच्ची हुई है, अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा समझ नहीं पाती, लेकिन जुड़ा होने से उन दोनों की हरकतें अलग अलग है, इसलिए बहुत ज़्यादा मिस मैं करता हूँ, मेरे मैडम करती है। जवानों की भावनाएं तो आप समझ चुके होंगे, अब जवानों की मस्ती भी देख लीजिए। 1 2 3 4 अरे चल गोरी ले जाबो तो के मोरगा, अरे चल गोरी ले जाबो तो के मोरगा, अरे चल गोरी ले जाबो तो के मोरगा, पहाड़ किनारे मोरगा।
हर बार ऑपरेशन पर निकलने से पहले उनकी याद जरूर आती है जो कभी साथ थे, लेकिन आज सिर्फ उनकी यादें बची हैं। उन्होंने चलते चलते सिर्फ इतना कहा था, बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। कोई भी जवान जब हमारे बीच से खो जाता है या शहीद हो जाता है, तो हर एक जो ऑप्स में पार्टिसिपेटेड टीम या कोई भी जवान होता है, उसके आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। आशीष कुमार तिवारी की शहादत पर 202 कोबरा बटालियन को फख्र है। दुख होता है, लेकिन साथ में उसकी वीरता देख के गर्व भी होता है कि उसने बड़ा बहादुरी से काम किया और नक्सलाइट का सफाया किया। बहुत बहादुर बंदा था, जिस कारण से हो सकता है कि जो है बुलेट लगने के बावजूद भी वो फायर करता रहा। ये जाबाज नक्सलियों से युद्ध के दौरान घायल हो गया, लेकिन वो लगातार नक्सलियों पर गोलियां बरसाता रहा, किसी को कुछ नहीं बताया। कमांडो की जान चली गई, लेकिन कोबरा जंग जीत गए। आशीष को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मैं फोर्स की ओर से नहीं बल्कि उन बहादुर साथियों की ओर से संदेश देना चाहूंगा जो देश सेवा में लड़ते हुए जिन्होंने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी तरफ से संदेश है, एक छोटा सा शेर है उर्दू का, हमें भी याद रखें जब लिखें तारीख गुलशन की, हमें भी याद रखें जब लिखें तारीख गुलशन की, कि हमने भी लुटाया है चमन में आशियां अपना। मैं अपने उन बहादुर साथियों की पावन स्मृति को सैल्यूट करता हूं।